चूंटी और टिड्डे की कहानी। हरी आज बोरियत भी हो रही है और नींद भी नहीं आ रही। अच्छा ऐसा करता हूँ, तुम लोगों को आज एक स्टोरी सुनाता हूँ। कौन सी स्टोरी सुनाओगे आदि? सोचता हूँ। चूंटी और टिड्डे की कहानी तुमने कहाँ सुनी? मैंने स्टोरी की बुक से पढ़ी थी। चलो अब स्टार्ट करते हैं। आपको भी स्टोरी सुननी है? हाँ। एक जंगल था, उसमें बहुत सारे एनिमल रहते थे। उसी जंगल में एक ट्री था, उस पे बहुत सारी चूटियां और एक टिड्डा रहता था। टिड्डा बहुत काम चोर था। टिड्डा हमेशा आराम करता, नाचता गाता रहता था। चूटियां इधर उधर से ढूंढ ढूंढ के अपने लिए खाना जमा करती थी। चूटियां हमेशा उसको बहुत समझाती थी, सर्दी आने वाली है, अपने लिए खाना जमा कर लो। ना ही वो किसी की बात सुनता था, ना ही कुछ करता था। बारी, तुम्हें पता है सर्दियों के लिए चूटियां अपना पहले से ही खाना जमा करके रखती हैं। ये तो मुझे आज पता चला। टिड्डा खेलने कूदने में इतना मगन था कि उसको पता ही नहीं चला कि मौसम बदल रहा है, सर्दी आने वाली है। चूटियां टिड्डे के लिए बहुत परेशान रहती थी। उनमें से एक चूटी थी जो बिल्कुल भी टिड्डे को पसंद नहीं करती थी। देखते ही देखते जाड़े का मौसम आ पहुंचा। टिड्डे के पास अब रहने के लिए ना ही घर था, न खाने के लिए खुराक। टिड्डे को समझ में नहीं आ रहा था इतनी ठंड में वो जाए तो जाए कहाँ। ठंड से परेशान होके टिड्डे ने चूटी के घर जाने का इरादा किया, लेकिन चूटी ने टिड्डे की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। टिड्डा बहुत पछता रहा था, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने सोचा, दूसरी चूटी से मदद मांगता हूँ। बताओ वारी, ये दूसरी चूटियाँ टिड्डे की मदद करेगी कि नहीं? नहीं करेगी। लेकिन दूसरी चूटियाँ बहुत अच्छी थी, उन्होंने फौरन टिड्डे को अपने घर बुला लिया और टिड्डे का बहुत ख्याल रखा। सर्दी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी। अब टिड्डा बहुत बदल चुका था। वो चूटियों के साथ मिलके सारे काम करता था। टिड्डा बिल्कुल भी काम चोरी नहीं करता था। टिड्डा और चूटियाँ एक साथ मिलजुल कर बहुत खुश रहने लगे। वो घूमते फिरते और खूब मजे करते थे और सर्दियों के लिए पहले से खुराक जमा करके रखते थे। आदि, वाकई तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत मज़ा आया। आपको भी हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हाँ तो बारी, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? आदि, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें खेल कूद के साथ अपना हर काम वक्त पे करना चाहिए ताकि हमें बाद में परेशान ना होना पड़े। जबरदस्त बारी, और हमें दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। मैं आपके लिए लेकर आऊँगा और अच्छी अच्छी कहानियाँ। आप करें मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह।